वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। भाजपा से निलंबित पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद देश में जो हिंसा का माहौल था और लगातार प्रदर्शन के बाद नमाजी पत्थरबाजी और आगजनी कर रहे थे। कई शहरों से पिछले दिनों जो तस्वीरें सामने आई वो दिल को दहला देने वाली थी। प्रयागराज हिंसा हो या कानपुर हिंसा, दोनों में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी और सुनियोजित तरीके से इस दंगे को अंजाम दिया गया था। दोनों ही जगह के मास्टरमाइंड को पुलिस ने धर दबोचा है और उन पर ऐसी कार्रवाई जारी है जो मिसाल बनने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ उदयपुर में मासूम टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद एक बार फिर इन जिहादी मानसिकता और कट्टरपन मानसिकता वाले लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और ये लगातार धमकियां पे धमकियां देने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, सबको ये जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उदयपुर के हत्यारों ने तो वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को मारने की धमकी दे डाली थी, लेकिन अब इन जिहादी और कट्टरपन मानसिकता वाले लोगों ने साधु संतों को भी नहीं छोड़ा है और इन्होंने संतों को भी अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। लगातार फोन पर ये लोग लगातार हिंदू साधु संतों को धमकी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि नूपुर शर्मा को सिर्फ उसके किए की फांसी होनी चाहिए जब तक सारे हिंदुओं को परेशान किया जाएगा। हम ये बात मोदी जी को हम पहुंचाना चाहते हैं। मोदी जी कुछ नहीं करेगा, मोदी जी को मोदी जी देखते रहेगा। अमित शाह को जान से मार दिया जाएगा सब कुछ। जितना भी सिक्योरिटी गार्ड जब से भी कमांड होने दो, हम कमांड से लड़ने के लिए तैयार है। देखो आप देखते रहोगे क्या होता है। जब तक नूपुर शर्मा को फांसी दिया नहीं जाएगा तब तक हमको कोई रूप नहीं वाला। इन धमकियों से बजरंग दल के कार्यकर्ता भी नहीं बच पा रहे। सहारनपुर जिले में पिछले दिनों दो व्यक्तियों को जान से मारने की धमकी दी गई। एक पत्र बजरंग दल के कार्यकर्ता को मिला तो दूसरा पत्र एक व्यापारी के बेटे को। इन सभी ने नूपुर शर्मा का समर्थन किया था और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी और सरकार से आह्वान किया था। जनपद सहारनपुर में दो जगहों पर एक चिट्ठी के माध्यम से, हैंड रिटन चिट्ठी के माध्यम से दो व्यक्तियों को धमकी दी गई और उसमें उदयपुर के केस के बारे में लिखा गया है। दोनों ही प्रकरणों में हम लोगों ने उन व्यक्तियों को जिनके नाम चिट्ठी दी गई थी दोनों को ही तत्काल रूप से गनर उपलब्ध करा दिया गया है और हम लोग इसके चिट्ठी के सोर्स की हम लोग जांच कर रहे हैं। रामपुर मनिहारन में हम लोगों ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया है और इसके अलावा जो भी पुलिस की इंक्वायरी होगी उसके कम्प्लीशन तक जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको हम लोग सुरक्षा मुहैया कराकर हम लोग जो सीनियर लेवल से इंक्वायरी इसमें कंडक्ट करा रहे हैं। जो भी आगे की कार्रवाई होगी मेरिट के आधार पर की जाएगी। साधु संत भी लगातार यही मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तभी ऐसे जिहादियों को सबक मिलेगा।